सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है, जब हमारे दोस्त के एक्सचेंज पर डॉक्स पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं पर हमारे इसमें दिखाई नहीं दे रहे। फिर वहां से डाउट्स होना शुरू होता है, सर कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने एड्रेस या टैग मेमो में कुछ गलती तो नहीं किया, उसके इसमें दिखाई दे रहा है, मेरे इसमें क्यों नहीं, जबकि कंपनी एक है और उसके पॉइंट्स कम है मेरे से, मेरे ज्यादा है, फिर भी क्यों नहीं। फिर आप आते हो मेरे वीडियोस देखने के लिए और वीडियोस में मैं आपको यही कहूंगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपके एक भी डॉक्स पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला। सर आप बता दीजिए हमारे अभी भी एक्सचेंज पर डॉक्स पॉइंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कब तक दिखाई देंगे, ये हमने कुछ गलती तो नहीं की जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, डॉक्स आप सेल करना चाहिए या अपने पास स्टेक करके रख सकते हैं, मतलब होल्ड करके रख सकते हैं, जब वैल्यू बढ़ेगी तब जाके उसे बेचना है। हाँ देखिए मेरे को कुछ भी डाउट्स रहता है मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप भी मुझे कमेंट करके बता देते हो। आजकल मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल कमेंट आ रहे हैं, काम की बातें हो रही है, आप फालतू के कमेंट्स नहीं आते, उसमें कुछ आपको सवाल रहते तो आप पूछते हो, मैं जवाब भी वहां पर दे देता हूँ, मैं कमेंट्स पूरे पढ़ता हूँ। अब मान के चलिए 500 कमेंट्स आ गए तो स्टार्टिंग 100-200 तो पढ़ ही लेता हूँ। ओके यहाँ पर मेरे को एक डाउट है, ये मुझे जरूर बताना, इन्हें तो बहुत अच्छे से जानते हो, आयरा क्वीन, ओके, बाइनेंस स्क्वायर में इन्होंने जस्ट एक ब्लॉग लिखे है, ब्लॉग डायरेक्टली पोस्ट किए है, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, देखिए, हैमस्टर कॉम्बैट एयरड्रॉप्स कम ऑन 4 सितंबर 2024, 4 सितंबर को हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से एयरड्रॉप्स आने वाला है, हैमस्टर कॉम्बैट एयरड्रॉप्स अलर्ट, गेट रेडी टू ज्वाइन द मोस्ट एक्साइटिंग एयरड्रॉप्स ऑफ द ईयर विद द हैमस्टर कॉम्बैट। जैसे कि भाई पावेल को तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया, 20 साल का बोल रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, भाई उसकी गलती कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने वीडियोज भी बनाया उसमें मैं आपको पूरी चीजें बता दिया हूँ, जो सही है वो बंदा सही था, पर बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है ना भाई हमारे बारे में इतना चिट्टा पिट्टा, ये बंदा खोल रहा है दूसरों को बुला बुला के, तो भाई कंपनी अरेस्ट कर लेती है। पर मेरे को किसी पर नहीं है, मुझे रशिया की जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, भाई वो बंदे ने जब कहा है इसे फ्री करना पड़ेगा, तो भाई ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 साल के 20 घंटे भी उनको जेल में नहीं रख सकते हैं, बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ डालना है तो हैमस्टर कॉम्बैट के सीईओ को डाल दो, वो बहुत नाटक कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया एयरड्रॉप्स निकालने में, बाकी ये तो भाई सही काम कर रहा है ना, बस इनको ये चीज़ देखना चाहिए, कोई भी स्कैमर जो आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको बंद कर दो, जिसके कारण हम जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर जहाँ पर भी हम टैप टू अर्न करते हैं तो वहाँ से हमें हमारा एयर ड्रॉप जो भी पैसा मिलेगा वो सही सलामत हम तक आ जाए, इस तरीके से दिक्कत ना हो। और ये भाई एयर ड्रॉप्स कल आने वाला, आज ही उसे अरेस्ट कर लिया, भाई 2 दिन बाद करते अच्छा रहता, भाई हमारा पैसा हम तक आ जाता फिर तो हम और अच्छे से दुआ करते इनके लिए, ठीक है, पर फिर भी अभी तो फ्री चल रहा है उनका। ओके तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा, प्रिपेयर योर क्रिप्टो, मेक श्योर यू हैव हैम्स टोकन इन योर वैलेट, द मोर यू हैव द बेटर चांस ऑफ विनिंग। हैम्स टोकन हमारे पास क्यों होना चाहिए, भाई टोन की बात हो रही थी ना, क्योंकि हैम्स टोकन में डायरेक्टली लिखा है और HMST आता है, उनके तरफ से टोकन दिए जाएंगे जिसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो जो चीज लिखी है आप मुझे बता देना, स्टे अपडेट रहना पड़ेगा, ज्वाइन कम्युनिटी करना पड़ेगा, कंप्लीट पूरी टास्क करना पड़ेगा, एयर ड्रॉप्स अगर आपको चाहिए सही है गलत है कमेंट करना, मुझे लगता है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए, और बाइनेंस स्क्वायर में बोले तो ऐसे ऐसे कुछ भी चीज नहीं लिख सकते हैं। अब लेकर चलता हूं मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर, अच्छा टेलीग्राम पर आ गए हम, यहाँ पर डॉक्स पर भी आ गए हैं। यहाँ पर आपको दो चीज करनी थी, ठीक है, आपने यहाँ पर बाइनेंस सिलेक्ट किया, बायबिट किया, OKX किया, आपने मान के चलिए और कौन से थे, डायरेक्टली बायबिट तो हो चुका है, गेट आयो, जो भी चीज किया होंगे एक्सचेंज, आपने मान के चलिए बायबिट है तो UID लगी होंगी, एड्रेस लगा होगा, आपने KYC कंप्लीट किए होंगे और टैग या मेमो लगा होगा, ठीक है, अगर आपने वो सब चीजें सही किए हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका पैसा आप तक एक्सचेंज तक आ गया। पर सर हमारे दोस्त का तो पैसा आ गया है, हमारा क्यों नहीं आया है, ये चीज कंप्लीट कर ली है। हाँ यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ, इनके ये भी दिखाना जरूरी है, कहाँ चले गए भाई डॉक्स कम्युनिटी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लास्ट की लाइन, देखिए TGN लिस्टिंग विल बी प्लेस एस 12 PM UTC ऑन 26 अगस्त, आज की 25 है कल 26 अगस्त है, 12 PM UTC, अब चेक कर लेते हैं ना भाई, हाँ 12 PM UTC का मतलब होता है 5:30 बजे, संडे लिखा है भाई, मंडे मानिए क्योंकि मैंने संडे ऊपर लिखा तो ये भी संडे में बता रहा है, ये मंडे के दिन में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5:30 बजे, मतलब कल 5:30 बजे उनके तरफ से लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी उसके हिसाब से आपके इसमें डॉक्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, मैं एक एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे, हाँ ये 5 लाख लोगों को 20,000 डॉक्स मिलेंगे अगर बाइनेंस पर उन्होंने एक्सचेंज सिलेक्ट किया होगा, और बाकी जितने भी है उन्हें 10,000 मिलेंगे, तो जिसे भी जो डॉक्स इनकी वैल्यू है तो उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा आ रहा, किसी का 50,000 है उन्हें 60,000 मिल रहा है, तो समझ जाना आपको 10,000 उनके तरफ से 22 बिलियन में से डॉक्स में से आपको आपका जितना हिस्सा बन रहा था वो दिए, क्योंकि आपने बाइनेंस सिलेक्ट किया, बायबिट वालों को अलग दिखाई दे रहा, और सबके इसमें कुछ ना कुछ
आपके डॉक्स दिखाई दे रहे। अब जिसको नहीं दिखाई दे रहे, पहले तो जिसको दिखाई दे रहे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर चलता हूँ ये, ठीक है। टोटल बैलेंस बाइनेंस है, स्पॉट्स पर दिखाई दे रहा है 43,979। डिपॉजिट ट्रांसफर अभी ये विड्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, सिर्फ जीरो है क्योंकि अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई। भाई वैल्यू पता ही नहीं है तो भाई कितना दे देंगे, कुछ नहीं देंगे आपके। इसमें सिर्फ शो रहा 80,000, 60,000 थे, 20,000 बाइनेंस ने अपने तरफ से रिवॉर्ड्स दिया है और इनकेस में टोटल इतना दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। इनकेस में नीचे में डॉक्स दिखाई दे रहा है 20,000 जीरो वैल्यू, उसके ऊपर में बीएनबी की वैल्यू तो भी दिखाई दे रहा है $328.64 का एक बीएनबी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में डॉक्स आपको जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप चेक करेंगे डॉक्स 50,000। अब इसमें बीएनबी जिन्होंने लॉन्च पूल में भी पार्टिसिपेट किया था, लॉन्च पूल का भी मिल रहा है, वो भी चीज आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सेल कर रहा है बाइनेंस डॉक रिसीव विद एक्स्ट्रा 10,000। हाँ, ये बंदे वो है जो 5 लाख से ऊपर वाले, 5 लाख तक 20,000 दे रहे, उसके ऊपर वालों को 10,000 उनकी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इन्होंने भी लिख के मुझे पहुंचा दिया। यहाँ पर आपको डॉक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है 20,000। यहाँ पर इन्होंने बात किया मुझे नहीं मिला, भाई मुझे तो मिल गया है, इस तरीके से डॉक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर स्पॉट्स में 28,000, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन 31,000, वैल्यू जीरो, जीरो वैल्यू है अभी इसकी, ओके। यहाँ पर वैलेट में भी आपको ये चीजें दिखाई देंगे कितना ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं, डॉक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट जो मुझे पहुंचाया गया, सर हमें मिल गया और इतने सारे लोग हैं जिन्हें नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाइनेंस पर अगर आपने सब डिटेल्स सही डाले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी जो लिस्टिंग डेट है उससे पहले आपके इसमें बाइनेंस पर डॉक्स दिखाई देने लग जाएंगे। जस्ट अभी अभी ये देना शुरू कर दिए है और एक को अभी एक भी डॉक्स किसी का नहीं रोका जाएगा। जस्ट अभी सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है, ठीक है, सीईओ टेलीग्राम के, उनके ऊपर कि भाई ये जल्द से जल्द रिहा हो जाए और कुछ कुछ करे। बाकी ये लिस्टिंग रुकने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अरेस्ट हो गए हैं उसके बाद एयर ड्रॉप्स हमारा पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं, जो डॉक्स का मालिक है वो नहीं हुआ है, बाकी इंतजार आप कर सकते हैं, शायद वो भी हो जाए कुछ। बाकी वो बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा, एयर ड्रॉप्स दे रहा है, लीगल तरीके से काम कर रहा है, पूरे जेन्युइन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो इनके तरफ से मुझे कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप लॉन्च पूल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं वैलेट पर जाता हूँ यहाँ से स्पॉट पर ही आएगा, फंडिंग पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्पॉट पर मैं जाकर चेक कर तो मेरे इसमें डॉक्स दिखाई दे रहा, आ गया यार, आना तो नहीं चाहिए था, चलो मेरे इसमें भी आ गया। अब जिसके इसमें नहीं आया वो भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं ये जस्ट शो कर रहा था मेरे इसमें 7 थे, मतलब जो मैं यहाँ से बीएनबी किया था ना, डॉक्स पर किया था, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नीचे 7 दिखाई दे रहा, वो थे। ये मेरे इसमें 70,000 मिले, मेरा 60,000 था, मैं 5 लाख के ऊपर में था, मुझे 70,000 दिया यार, 20,000 दे देते मेरा काम हो जाता, ऐसा गलत करते ना तो मेरे को फिर दिमाग खराब होता। चलो ठीक है, कितने 60,000 थे, 60,000 बाइनेंस पर थे, मुझे भी 5 लाख के ऊपर चले गए, मतलब बाइनेंस पर सब एक मेरे से भी पहले आगे निकल गए, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, 10,000 भी दे तो काफ़ी हो गया था, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन 70,000 है पर इसकी वैल्यू जीरो, तो आपके इसमें भी आ जाएंगे भाई, इंतजार करें। जिसको अभी नहीं मिला शाम में मिलेगा, रात में मिलेगा, कल मिलेगा, कल आपको 5:30 बजे से पहले मिल जाएगा आपके पास 24 घंटे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, मेरे वीडियोस देख रहे ना, मोटिवेट रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मुझे 1 रुपये मिलेगा, पर मैंने आपको जिस तरीके से पहले भी कहा था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका जो भी पैसा आएगा मैं सिर्फ गिव अवे करूंगा, इसका हो हैमस्टर कॉम्बेट का हो, जितना भी एयरड्रॉप्स मेरे पास आएगा सिर्फ मैं गिव अवे करूंगा। अब जिसको गिव अवे मिलता है उसके लिए मैं भी क्लेम करता हूँ मैं, ठीक है, क्लेम करता हूँ, मतलब 1,000 लोगों को देना है, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जितने भी होंगे, तो मैं इसका गिव अवे ही करूंगा, ठीक है। ये पैसा भाई आपकी मेहनत से आया है, आप लोग सपोर्ट करते हो तो भाई ये पैसा आप तक जाएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। वैल्यू जीरो है, लिस्टिंग होंगी, फिर भी हम चेक कर लेते हैं 70,000 का हमें कितना मिलेगा एक, अगर हम एस्टिमेट, क्योंकि बिडगेट पर अभी प्राइस बहुत ही लो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्राइस चल रहा है इसका 0.0016 और गिर गया, ठीक है 0.0016 है। और मैं एक चीज करूंगा, अगर आपको स्टेक करके रखना है तो भाई मैं तो स्टेक करके रखूंगा, मैं तुरंत नहीं करूंगा, मैं विड्रॉल जब करूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा प्राइस मिलेगा। 10,000 अगर मेरे को मिल रहा, अगर 5-10 दिन बाद 15,000 मिलता तो भाई मैं 15,000 लेना ज्यादा पसंद करूँगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टेक करके रखना है या नहीं रखना है, रखोगे तो फायदा रहेगा, नहीं रखोगे तो ये भी चीज हो सकती है। देखिए प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसे बहुत बड़ा ये इंसान नहीं कि 10 दिन के बाद बढ़ेगा, क्या पता 10 दिन के बाद और डाउन हो जाए। इसके कारण आप स्टेक करके रखना है रख सकते हो, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि भाई थोड़ा सा, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े 100 साल का जिनको ट्रेडिंग करते हुए एक्सपीरियंस है उनको भी नहीं मालूम रहता कब ये क्रैश हो जाए। ओके 70,000 0.0016 $112
83 का प्राइस चल रहा 9,296 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। चलो देख लेते हैं जो भी रहेगा, तो समझ में आ गया। तो भाई स्टेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं बात करता हूँ, मैं टोन कीपर पे स्टेक करता हूँ ज्यादा करना, ओके, क्योंकि मेरे को बिटगेट ठीक है, बाइनेंस भी ठीक है, बाकी चीज भी ठीक है, पर इसकी बात अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेक पर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट 2.8 टोन एनुअल प्रॉफिट इफ यू स्टेक टोन टुडे, अगर मैं आज रखूंगा तो 2.54 का मुझे मिलेगा, मिनिमम एक टोन रख सकता हूँ और यहाँ पर दो टोन का मुझे इतना प्राइस मिल जाएगा, जैसे भी पता चलेगा तो यहाँ पर, ठीक है, 0.01। चलिए, तो स्टेक करके रखना है तो रखिए, अगर स्टेक के ऊपर बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा उस पर रखते हुए, किस तरीके से रखते हैं, कितने टाइम पीरियड्स के लिए रखते हैं, ये सब चीजें अलग से वीडियोस को बड़ा वीडियोस हो जाएंगे। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल आवाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।